सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर, जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर कौन से किया जा रहा आर्गुमेंट को सर। आपके कंसीडर नहीं किया गया है? सर मैंने सर जो रूल्स है सर जो 2011 का ऑर्डर सर वो बैकडोर कौन सा एंट्री रूल्स लगाया? सर, वो चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर नहीं, वो एक मिनट रुकिएगा। कौन सा रूल लगाया सर आपने? 2011 बहस का मत जो करिए, पहले रूल बताइए कौन सा नियम लगाया आपने। सर 2011 का कहां सर है जो वो? ऑर्डर 2011 का रूल बताइए। सर दो रूल हजार पढ़िए ग्यारह आप, का ऑर्डर है रूल पढ़िए आप। सर 2011 का जो ऑर्डर है नहीं सर। सुनेंगे आपको, आपको जो करना चाहिए अपील में करिए। इतना नहीं डायरेक्शन सर दे इस सकता तरीके मैं? से सर अगर केस को सुनेंगे सर क्या मतलब सर, न्याय के लिए सर यहाँ फिर आते हैं? इस तरीके से सर ऑर्डर लेने के लिए नहीं है सर, खारिज भी करिए सर, रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर, मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर, न्याय लिखिए। नहीं मिलता सर यहाँ को सर, हाँ ठीक है, ठीक न्याय नहीं मिलता, है, इसलिए सर डायरेक्शन देखो मेरे लिख के हमारे मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा। हमारे आप केस यहाँ पे ना आप आते हैं लिख सर, के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं को। करना चाहते सर। आप वहां लिख के दे दीजिए, आप लिख के दे दीजिएगा। जीरो सेवन दिस पिटिशन आई एम चैलेंजिंग इन एक्जर पी वन बाय विच द रिस्पोंडेंट हैव एडवर्टाइज द पोस्ट ऑफ एएनएम, द पिटिशनर्स बोथ पिटिशनर्स आर वर्किंग एज एन एएम ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस लॉर्डशिप सिंस 2008। लास्ट डेट निकल गई, आज क्या चैलेंज कर रहे हैं आप सर इसको? मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, ओके फॉर्म भरने के लिए नहीं फिर सर। इन द ईयर ऑफ 2011 योर लॉर्डशिप द रिस्पोंडेंट्स हैव इशूड ए ऑर्डर योर लॉर्डशिप, मे काइंडली सी दैट ऑर्डर इज एट इन एक्जर P3 पेज नंबर 30। पढ़ी नहीं थी तो कैसे हो जाएंगे आप नियम? सर मैं वही बोल रहा हूँ पढ़िएगा पेज 40 पे, सर वो पढ़ पढ़िएगा। चुका हूँ सर, उसमें पद नहीं है, और रिप्लाई में सर उन्होंने ये भी बोला था कि जब भी पद रिक्त होंगे हम आपका कंसीडर करेंगे सर। अब ये एडवर्टीजमेंट जो आया सर आपका तो एक और फैक्ट है, आप व्यापम के माध्यम से फेल हो चुके हैं, वो सर अलग बात है, तो वो अलग बात है। ये निमितीकरण सर सर वो तो हाँ डायरेक्ट एग्जाम होता है सर, ठीक जो है, व्यापम वाला होता है सर वही अभी फिर से इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है, हाँ उसमें सर एसटी की 412 है, 412 पोस्ट एडवर्टाइज की आपके गई जिले है। के लिए कौन सी पोस्ट है? कैडर क्या है इसका? हाँ सर ये है ना कैडर पेज नंबर सर आप देख लें इसको, पेज नंबर 21 देख लें सर, Page 21, यस। पोस्ट कोड 34 में सर, अनुसूचित जनजाति के लिए सर 400, टोटल 478 पोस्ट है सर। अनुसूचित सर ये जनजाति पोस्ट कोड केवल थर्टी महिला फोर अभ्यर्थियों के लिए? हाँ महिला, हाँ सर ये महिलाओं के लिए होता सर ये जी, एनएम। उसमें संविदा कर्मी की भी तो 96 है। कोड 96 है सर संविदा कर्मी, अरे भाई टोटल 96 है संविदा कर्मियों के लिए। हाँ संविदा कर्मी के लिए 96 अभी है तो संविदा कर्मी है, सर, वो ये संविदा कर्मी के रूप में कार्य करेंगे जो नियुक्ति होगी इनकी, ये उनके लिए सर 96, उनको मिला के सर टोटल 478 पद है सर। बताइए भाई। हाँ वो संविदा में जो कर्मी भूतपूर्व सैनिक जो रहे उनके लिए निल है, जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं उनके लिए 96, हाँ वही तो इनको हम भी कह रहे हैं, इनको पार्टिसिपेट करना था ना। पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होगा, वही तो हमने भी कहा। सर पार्टिसिपेट चूंकि हमारा सर ये जो 2011 का सॉरी, 11 का तो वहां जाके कंटेम्प्ट लगाइए, आप जाकर कंटेम्प्ट लगाइए, अपना कंटेम्प्ट में जाकर नहीं लगाइए। सर मैं सर मैं इसीलिए सर मैं ये पिटीशन जो मैंने सर फाइल की है सिर्फ इसीलिए फाइल की है सर, क्योंकि सर ये वैकेंसी निकली हुई है सर, तो सर इनका जो स्टैंड था सर चूंकि पद खाली नहीं है सर, तो सर कम से कम अगर उस वक्त खाली नहीं था, हाईकोर्ट सर अब तो खाली है सर, अब का तो डायरेक्शन हमारे पढ़े, केस सर। हाईकोर्ट का डायरेक्शन पढ़ते हैं, हाँ सर पढ़िएगा केस 33 में, पढ़िएगा। कैन बी रीच टू अ कंसेंसस इज एग्रीड दैट इफ पिटिशनर प्रेफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेश रिप्रेजेंटेशन सीकिंग रेगुलराइजेशन इन द लाइट ऑफ रीसेंट सर्कुलर 7/10/16, 7/10/16 से तो ये पोस्ट वैसे भी नहीं भरी जानी है, आपका पूरा क्लेम ही मिसप्लेस्ड है। 7/10/16 जो है वो सिर्फ वो सर रेगुलर, विनियमितीकरण के लिए सर, वो तो वो तो विनियमितीकरण के लिए विनियमितीकरण के लिए, नियमितीकरण के लिए है ही नहीं सर नहीं, नहीं फिर जी। ये ऑर्डर का, इसी ऑर्डर ही आपके पक्ष में नहीं है, जो ऑर्डर आप हमें दिखा रहे हैं वो ऑर्डर ही आपके विरुद्ध है। सर इन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए सर, नहीं 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 रेगुलराइजेशन इन द लाइट ऑफ इट्स क्वालिफाइड ऑर्डर, यू सीक रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर, आई डोंट नो व्हाट वेयर इज योर रेमेडी बट नॉट हियर। बट योर लॉर्डशिप माय कंटेंशन इज दैट योर लॉर्डशिप व्हेन इन द जो P3 है सर ये रिस्पोंडेंट नहीं सर ये इश्यू किया है क्या होगा, क्या होगा ना किसी के बेस पे सर, हम अपना हमारा पूरा क्लेम सर जो जो पिटीशन हमने फाइल की थी इसके परिपेक्ष में आपने फिर पिटीशन लगाई सर, P4 में ऑर्डर उसमें शो किया रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन भी सर रिप्रेजेंटेशन इन अथॉरिटी, द लाइट ऑफ, इन द हाँ लाइट ऑफ 7/10/2016। हमारा हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया सर अथॉरिटी ने इसको फॉरवर्ड किया है सर स्टेटमेंट देखिए किया पेज होगा नंबर फोर्टी वकील साहब, उसको फॉरवर्ड किया होगा, दैट विल नॉट क्रिएट एनी राइट इन योर फेवर। इशू इज वेरी सिंपल, दैट हाई कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर saying that your representation is to be decided
in terms of the policy dated 7-10-2016. 7-10-2016 does not give, create any right in your favor to regular appointment. And therefore, your authorities may do anything that will not create any right to interfere in the advertisement. You may participate, you should have participated, you should But my stand is that, Your Lordship. Your stand is that, and please file contempt petition that that order passed by the writ court on 22-2018 is not being. Contempt की कार्रवाई सर एक अलग चीज हो जाती है सर मेरा यहाँ पर सर क्लेम ये है सर मैं लिखा देता हूँ लिखिएगा सर मेरे निवेदन सर उसमें सर बैकडोर एंट्री सर जो आपने सर लिखा दिया है सर ये तो हमारे अगेंस्ट आएगी क्योंकि सर बैकडोर एंट्री नहीं है सर ये सरकार के आदेश में काम कर रहे हैं सर ये मैंने क्या लिखा है इसको पढ़िएगा उसके बाद में प्लीज आई एम नॉट सपोज टू आंसर ऑल दिस नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये उमा सर ये इनके लिए सर अलग पॉलिसी है रेगुलाइजेशन की सर उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई सर उमा देवी का जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर ठीक ठीक चलिए सर गलत ऑर्डर सर ठीक है इसको जाकर चैलेंज करिए सर ये उमा देवी के सर जजमेंट इसमें कवर ही नहीं होता सर सर इनकी पॉलिसी अलग है उसके अकॉर्डिंग सर ये सबका नियमितीकरण हो चुका है ऑलरेडी सर नेक्स्ट केस सर कम से कम जो मैंने दस्तावेज लगाया सर उनको तो कंसीडर करके सर ऑर्डर लिखा है भले ही आपने खारिज किया है पर कम से कम सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर विकास मिश्रा सर दिस इज नॉट द वे व्हाटएवर यू आर सर जो मेरा आर्गुमेंट है सर उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा सर जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया सर उनको कंसीडर कौन से आर्गुमेंट को आपके कंसीडर नहीं किया गया सर मैंने सर जो रूल्स है सर जो 2011 का ऑर्डर सर वो बैकडोर कौन सा रूल्स लगाया चलिए बैकडोर एंट्री नहीं सर एक मिनट रुकिएगा कौन सा रूल लगाया आपने बहस मत करिए पहले रूल बताइए कौन सा नियम लगाया आपने सर 2011 का है 2011 का रूल बताइए सर 2011 पढ़िए आप ऑर्डर है रूल पढ़िए आप सर 2011 का जो ऑर्डर है सर नहीं सुनेंगे आपको आपको जो करना चाहिए अपील में करिए खारिज भी करिए रीजेंट ऑर्डर होने चाहिए सर मेरे कोई बहस कंसीडर नहीं की जाती सर न्याय नहीं मिलता सर यहाँ को सर ठीक है न्याय नहीं मिलता इसलिए सर डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन नहीं दूंगा हमारे केस यहाँ पे आप लिख के दे दीजिए चीफ जस्टिस साहब नहीं करना चाहते आप वहाँ लिख के दे दीजिए आप लिख के दे दीजिएगा आप क्या बहस करते हैं सब रिकॉर्ड हो रही है आपको कितनी बहस आती है कितनी करते हैं आप सब लिखाया जाता है नहीं सर नहीं लिखा जाता ठीक है